Hello kids, welcome on Future Point classes. Hope you all are fine. Kids, today we will discuss about visits and outing from chapter 13, Recreation. Okay kids? Kids, in the previous video, we already discussed about recreational activities like games, reading, music and dance, watching television, drawing and painting. Now kids, today we will discuss about visits and outing, which is also a recreational activity. So kids, in Hindi, visits means ghumna, and outing means sair ya fir bahar jana. Okay? Visit means ghumna and outing means bahar jana ya fir sair karna. Now kids, from your book, we can visit different places with our friends, parents and relatives. So we can visit, हम visit करते हैं, visit means घूमते हैं, different places, अलग अलग जगहों पर, with our friends, अपने दोस्तों के साथ, parents, अपने माता पिता के साथ, and relatives, अपने रिश्तेदारों के साथ. Okay? So आप अपने दोस्तों के साथ, अपने parents के साथ, अपने relatives, रिश्तेदारों के साथ, अलग अलग जगह पर घूमने के लिए जाते हो. Some of the places are, कुछ प्लेसेस हैं जैसे कि फर्स्ट है पार्क. वी कैन विजिट अ पार्क विथ आवर फ्रेंड्स टू प्ले वेरियस गेम्स, सी द ग्रीनरी अराउंड एंड एंजॉय द स्विंग्स. वी कैन विजिट अ पार्क, हम पार्क में घूमने के लिए जाते हैं, विथ आवर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, टू प्ले वेरियस गेम, और कई तरह के, वेरियस मीन्स कई तरह के खेल खेलते हैं. सी द ग्रीनरी अराउंड, हम ग्रीनरी मीन्स हरियाली को चारों तरफ देखते हैं. एंड एंजॉय द स्विंग, और हम झूले में एंजॉय करते हैं. सो स्विंग मीन्स झूला. ओके, यहाँ पर स्विंग मीन्स क्या है? झूला. नाउ सेकंड है फेयर. फेयर मीन्स मेला. सो आपने देखा होगा, आप लोग जाते भी होंगे फेयर में घूमने के लिए. सो किड्स, इन इंडिया, भारत में फेयर और मेलास आर वेरी पॉपुलर. फेयर या फिर जो मेला है, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस है. इट मीन्स सभी लोग यहाँ पर, सभी लोग इसे जानते हैं. दीज आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन फेस्टिवल्स सच एज दिवाली, क्रिसमस, ईद, दशहरा, न्यू ईयर एटसेट्रा. सो दीज आर ऑर्गेनाइज्ड. ऑर्गेनाइज मीन्स होता है आयोजन करना. ओके, ऑन फेस्टिवल, इसे फेस्टिवल पर, त्योहारों पर, जैसे कि दिवाली, क्रिसमस, ईद, दशहरा, न्यू ईयर एटसेट्रा आदि पर आयोजित किया जाता है. दे आर ऑल्सो हेल्ड ऑन रिलीजियस ओकेशंस लाइक कुंभ मेला एंड पुष्कर मेला. इसके अलावा इसका हेल्ड मीन्स आयोजन, रिलीजियस ओकेशन जो धार्मिक अवसर हैं, जैसे कि कुंभ मेला, पुष्कर मेला, इन सब में भी किया जाता है. Fair are held in open ground having stalls of games, toys, food and other fun activities. Fair, मेले में, मेला, in open ground, खुले मैदान में, having stalls of game, जहाँ पर games की stalls लगी रहती हैं. इसके अलावा toys, food और दूसरी जो fun activities हैं, it means हंसाने वाली जो activities हैं, उनके भी stalls लगे रहते हैं. Many kinds of things are sold in them. कई तरह की चीज़ें हमें मेले में मिलती हैं. It means कई तरह की चीज़ें मेले में बेची जाती हैं. Sold means बेचना. Okay? So मेला कहाँ पर लगता है? Open ground में. ठीक है, कई तरह की वहाँ पर क्या हैं? छोटी छोटी stalls हैं. ठीक है, games की, toys की, food की. ठीक है, और आप लोगों को, सभी को fair में जाना क्या है? बहुत ही पसंद है. Okay? Now kids, यहाँ पर आप देख भी सकते हो फेयर. ओके, चिल्ड्रन एंजॉय गोइंग टू द फेयर एज दे गेट टू ईट वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स एंड राइड ऑन स्विंग्स, मैरी गो राउंड एंड जाइंट व्हील. चिल्ड्रन एंजॉय गोइंग टू द फेयर, बच्चों को फेयर में, मेले में जाने में एंजॉय करते हैं. एज दे गेट टू ईट अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम, वे कई तरह की वैरायटी का, वैरायटी मीन्स अलग अलग तरह का फूड आइटम्स खाते हैं. राइड ऑन स्विंग्स, झूले में राइड करते हैं. ठीक है, मैरी गो राउंड एंड जाइंट व्हील,
जो बड़े बड़े जाइंट व्हील मीन्स जो बड़े बड़े पहिए हैं उनके ऊपर झूमते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, ये जाइंट व्हील है, बड़ा सा व्हील जिसमें बच्चे क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। ओके, सो आप लोग इसमें बैठे भी होंगे और काफ़ी इंजॉय भी किया होगा अपने फेयर में। ओके, ना थर्ड है आपकी विजिट एंड आउटिंग में पिकनिक, कुछ लोग पिकनिक के लिए भी जाते हैं और क्या करते हैं, अपने आप को रिक्रिएट करते हैं। ओके, सो समटाइम्स वी गो फॉर पिकनिक, कभी कभी हम पिकनिक के लिए भी जाते हैं। वी प्ले एंड ईट इन द ओपन एंड हैव अ लॉट ऑफ फन, सो वी प्ले हम खेलते हैं एंड ईट खाते हैं इन द ओपन खुले में एंड हैव अ लॉट ऑफ फन और कहीं ढेर सारी हम फन मस्ती करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ओके, सो बच्चे क्या कर रहे हैं, देखो पिकनिक के लिए गए हैं, ओपन फील्ड में खा रहे हैं, ठीक है, और कहीं ढेर सारी मस्तियाँ कर रहे हैं। सो किड्स, ये सारी चीज़ें जो विजिट्स एंड आउटिंग्स के अंदर हैं, ये सारी चीज़ें हमें अपने आप को रिक्रिएट करने के लिए क्या है, बहुत ही नेसेसरी हैं। ओके, सो देखो यहाँ पर फेयर मेला आप देख सकते हो, कुछ लोग मेले में जाते हैं, देन पार्क में घूमने के लिए जाते हैं, स्विंग्स पर झूलते हैं। ओके, ना इसके अलावा और कौन सी एक्टिविटीज़ हैं विजिट्स एंड आउटिंग में, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपकी जू, लेकिन जू से पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे टेक अ बाइट। फर्स्ट हेल्ड इन 1981, सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर इज एन एनुअल इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट फॉर द सेलिब्रेशन एंड प्रमोशन ऑफ इंडियन क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्समैन एवरी ईयर इन फेब्रवरी। फर्स्ट हेल्ड इन 1981, इट मीन्स 1981 में सबसे पहले हेल्ड आयोजन किया गया था सूरजकुंड में क्राफ्ट फेयर को, एनुअल इवेंट, वार्षिक इवेंट पर ऑर्गेनाइज्ड बाय, जिसका आयोजन किया था हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट ने फॉर द सेलिब्रेशन, इसे मनाने के लिए, एंड प्रमोशन ऑफ इंडियन क्राफ्ट एंड क्राफ्ट्समैन, ठीक है, इंडियन क्राफ्ट और जो क्राफ्ट्समैन है, एवरी ईयर इन फेब्रवरी, ठीक है, हर साल फेब्रवरी को इंडियन क्राफ्ट्स और क्राफ्ट्समैन की के प्रमोशन के लिए, प्रमोशन मीन्स उनकी तरक्की के लिए क्या बनाया जाता है, क्राफ्ट फेयर। ओके, क्राफ्ट फेयर को मनाया गया था, ठीक है, 1981 में। ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट। ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन, जो परंपरागत जो क्राफ्ट्समैन है, ठीक है, जो नई चीज़ों को बनाते हैं, क्राफ्ट्समैन मतलब नई चीज़ों को बनाने वाले, ठीक है, फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो अलग अलग कंट्री से हैं, पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट, उन्होंने इस इवेंट पर पार्टिसिपेट किया था, पार्टिसिपेट मतलब भाग लेना, ठीक है, तो उन्होंने इस इवेंट पर, इस आयोजन पर भाग लिया था। द फेयर इज हेल्ड विथ अ डिफरेंट थीम एवरी ईयर ऑन इंडियन कल्चर एंड क्राफ्ट। ये जो मेला है, ये जो फेयर है, इसे हर साल इंडियन कल्चर और क्राफ्ट के ऊपर अलग अलग थीमों के ऊपर बनाया जाता है, ठीक है, तो हर साल अलग अलग थीम किस पर, इंडियन कल्चर और क्राफ्ट पर आयोजित की जाती है, किस में, फेयर में, मेले में। ओके, नाउ किड्स, फोर्थ एक्टिविटी है आपकी जू, ठीक है, विजिट्स एंड आउटिंग में बहुत से लोग जू के लिए भी जाते हैं, जू मीन्स चिड़ियाघर। चिल्ड्रन लव टू सी एनिमल्स लाइक जेब्रास, मंकीज, जिराफ्स, टाइगर्स एट्सेट्रा, तो बच्चे लव टू सी एनिमल, बच्चों को जानवरों को देखना बहुत ही पसंद है, जैसे जेब्रा, मंकी, जिराफ, टाइगर आदि। ओके, अ वैरायटी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स कैन बी सीन एट द जू, कई वैरायटीज़ में, कई प्रजातियों के आप बर्ड्स, चिड़िया को, एनिमल, जानवरों को जू में सीन देख सकते हो। द साइट ऑफ एनिमल मेक्स अस हैप्पी, तो एनिमल्स को देखकर, साइट मतलब देखकर, मेक अस हैप्पी, हम बहुत ही खुश महसूस करते हैं, या ये हमें बहुत ही खुश रखता है। ओके, तो जानवर को देखकर हम खुश रहते हैं। इट इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस एवरी टाइम, और हर वक्त हमें एक नया एक्सपीरियंस, एक नया अनुभव देखने को मिलता है। ओके, जैसे कि आप देखो जिराफ देख रहे हो तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, ऐसे टाइगर देख रहे हो तो अलग एक्सपीरियंस, देन मंकीज, ठीक है, अलग अलग तरह के आपको एनिमल्स जू में देखने को मिलते हैं।
ओके, और साथ ही साथ बर्ड्स भी। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी सर्कस। सो सर्कस में भी आप आउटिंग्स के लिए जाते हो, रिक्रिएशन के लिए। सो वी कैन ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ फन एट द सर्कस। हम कई ढेर सारी मस्ती सर्कस में करते हैं। द ट्रेपीज आर्टिस्ट इंटरटेन अस विद देयर अमेजिंग एक्रोबैटिक्स ऑन द स्विंग। द ट्रेपीज आर्टिस्ट इट मीन्स ट्रेपीज आर्टिस्ट मीन्स कलाबाज। इंटरटेन अस हमें इंटरटेन करते हैं विद देयर अमेजिंग अपनी अद्भुत एक्रोबैटिक्स कलाबाजी का ऑन द स्विंग स्विंग्स पर दिखाकर। ठीक है, जो झूलों पर दिखाकर जो आर्टिस्ट हैं जो कलाबाज हैं वो अपनी अद्भुत कलाबाजी का कलाबाजी करके हमें इंटरटेन या फिर हमारा मनोरंजन करते हैं। इसी तरह से सर्कस में अगर हम देखें, ठीक है, द क्लाउन इज़ लव्ड बाय ऑल। क्लाउन को हर कोई पसंद करता है। क्लाउन मीन्स क्लाउन को एक तरह से हम कह सकते हैं गवार, या फिर जो जो उल्टी फुल्टी हरकतें करके हमें हंसाता है। ओके, जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो मूर्खतापूर्ण हरकतें करके हमें हंसाता है। ठीक है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ही परफॉर्म्स फनी ट्रिक्स टू मेक एवरीवन लाफ। तो ये जो क्लाउन है ये अपनी फनी ट्रिक्स को, अपनी हंसाने वाली चालों को, ठीक है, परफॉर्म करके, परफॉर्म मीन्स दिखा करके या प्रदर्शन करके हर किसी को, एवरीवन मीन्स हर किसी को लाफ हंसाता है। ओके, सो क्लाउन अपनी चाल का इस्तेमाल करके सभी को हंसाता है। इट इज़ एन इन्जॉयबल एक्सपीरियंस। यह भी एक बहुत ही आनंदपूर्ण अनुभव है। ठीक है, बहुत ही हमें हंसी आती है सर्कस में। ठीक है, एनिमल्स का भी सर्कस में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, और वे भी कई तरह के एक्रोबैट्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो हमें बहुत हंसी आती है। सो ये भी एक बहुत अच्छी रिक्रिएशन एक्टिविटी है। नाउ सिक्स्थ है पपेट शो। पपेट शो मीन्स कठपुतली शो। ओके, पपेट शो मीन्स कठपुतली शो। सो देखिए, कठपुतली शो क्या है? पपेट्री इज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग एंड हैंडलिंग पपेट। पपेट्री भी एक आर्ट है जिसमें हम हैंडलिंग पपेट, जिसमें हम पपेट को मतलब कठपुतली को हैंडलिंग मतलब संभालते हैं। ठीक है, मतलब कठपुतली का हम यूज़ करते हैं और उसी को हम हैंडल करते हैं। अ पपेट इज़ अ स्मॉल फिगर ऑफ अ डॉल, एनिमल और ह्यूमन बींग। सो पपेट क्या है? पपेट इज़ अ स्मॉल फिगर ऑफ डॉल। पपेट किसी का भी एक छोटा सा फिगर, भले वो डॉल भी हो सकती है, कोई एनिमल भी हो सकता है, एंड ह्यूमन बींग कोई इंसान का फिगर भी हो सकता है। ओके, इट इज़ मेड ऑफ क्लोथ। ये कपड़े से बनाया जाता है। इट इज़ मूव्ड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। इसे स्ट्रिंग की हेल्प से, स्ट्रिंग मीन्स तार। ओके, इसे तार की मदद से मूव्ड हिलाया जाता है। स्ट्रिंग आर अटैच टू इट्स बॉडी पार्ट। स्ट्रिंग इसके बॉडी पार्ट से, मतलब पपेट के बॉडी पार्ट से अटैच जुड़े हुए रहते हैं। मतलब जो पपेट है उसके बॉडी पार्ट्स तार से जुड़ा हुआ रहता है। द पपेटर मूव्स द पपेट एंड स्पीक्स एंड सिंग एज वेल। द पपेटर, पपेटर मतलब जो पपेट को चला रहा है। ओके, सो द पपेटर मूव्स द पपेट। पपेटर क्या करता है? पपेट को, कठपुतली को मूव करता है। स्पीक बोलता है, एंड सिंग एज वेल और साथ ही साथ गाता है। सो पपेट शो इज़ एन ओल्ड एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। पपेट शो भी एक बहुत ही ओल्ड, पुराना और ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट मनोरंजन का एक फॉर्म मतलब रूप है। ओके, फॉर्म मीन्स रूप, तो मनोरंजन का एक रूप है। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर अमंग विलेज फॉक। ये बहुत ही पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध है। कहाँ पर? विलेज फॉक में। ठीक है, गाँव में जो फॉक है, फॉक मतलब लोग। ठीक है, तो विलेज फॉक में ये काफ़ी पॉपुलर है, फेमस है। दीज शोज ऑफन टेल स्टोरीज डेट हैव अ मॉरल एंड आर ह्यूमरस एज वेल एज। ठीक है, सो दीज शोज, ये जो शोज हैं, टेल स्टोरीज, हमें कहानियाँ बताते हैं। डेट हैव अ मॉरल, जिसमें कुछ ना कुछ शिक्षा रहती है या नैतिक शिक्षा होती है, एंड ह्यूमरस एज वेल एज, और इसके साथ ही साथ ही हमें ह्यूमरस मतलब हास्यकर, हमें हंसाते भी हैं। ठीक है, ह्यूमरस मतलब एक तरह से हंसाना। द
तो हमें हंसी भी आती है पपेट शो को देखकर, और साथ ही साथ हमें कुछ ना कुछ मॉरल वैल्यूज़ भी स्टोरी से पता चलती है। समटाइम्स कभी कभी रामलीला इज़ ऑल्सो प्रेजेंट थ्रू पपेट शो, रामलीला को भी पपेट शो के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है। ओके, सो रामलीला आपको पता है दिवाली के टाइम में, सो कहीं कहीं पर रामलीला को भी पपेट शो या कठपुतली से हम प्रेजेंट करते हैं। ओके, सो ये भी क्या है, एक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। ओके किड्स, सो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका सेवेंथ, विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हाउस। कुछ बच्चों को या कुछ लोगों को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के, अपने रिश्तेदारों के घर जाना अच्छा लगता है, वे काफ़ी रिक्रिएशन या रिक्रिएट होते हैं। ओके, सो आप लोग मोस्टली जाते हो, जैसे भी जब भी आपकी समर वैकेशन होती है तब आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के यहाँ विजिट्स के लिए जाते हो और काफ़ी आप इंजॉय करते हो। ओके, सो विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ड्यूरिंग हॉलीडे इज़ अ गुड चेंज दैट रिलैक्सेस एवरीवन। सो फ्रेंड्स के वहाँ, रिलेटिव्स रिश्तेदारों के वहाँ ड्यूरिंग हॉलीडेज छुट्टियों पर इज़ अ गुड चेंज दैट रिलैक्स एवरीवन। ठीक है, जाना एक बहुत ही अच्छा है, ठीक है, एंड चेंज दैट रिलैक्स एवरीवन, इससे हर किसी को रिलैक्स, आराम मिलता है। ठीक है, सो सबकी लाइफ में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं जब आप फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के यहाँ हॉलीडेज़ में जाते हो, तो आप काफ़ी रिलैक्स, आराम महसूस करते हो। ठीक है, और आप एक तरह से आप खुद को रिक्रिएट कर सकते हो। ओके, नाउ एट्थ है फैमिली सेलिब्रेशन, परिवार के साथ जो सेलिब्रेशन है या कोई भी चीज़ को मनाना, जैसे बर्थडे हो गया, वेडिंग्स हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करना। सो सम स्पेशल ओकेशन, कुछ विशेष ओकेशन अवसर, जैसे कि फेस्टिवल, कोई भी त्यौहार है, वेडिंग्स या फिर शादी है, एनिवर्सरीज या फिर किसी की सालगिरह है, बर्थडेज, किसी का जन्मदिन है, एटसेट्रा आर सेलिब्रेटेड इन द फैमिली, इन सभी को हम परिवार में मनाते हैं। ऑल फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स गेट टुगेदर एंड इन्जॉय, सभी फैमिली मेम्बर्स, परिवार के जो सदस्य हैं, रिलेटिव्स, रिश्तेदार गेट टुगेदर, एक साथ मिलकर इंजॉय करते हैं। ओके, सो गेट टुगेदर मीन्स एक साथ, ठीक है, आपने देखा होगा ना, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, जो हमारे एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, उनसे हम कब मिल सकते हैं, वेडिंग्स पर, बर्थडे, ठीक है, जो भी स्पेशल ओकेशन है उनमें हम एक साथ मिल सकते हैं। ठीक है, तो इनमें हम काफ़ी इंजॉय करते हैं। फैमिली सेलिब्रेशन स्ट्रेंथन बॉन्ड्स बिटवीन आवर रिलेटिव्स एंड अस। सो फैमिली सेलिब्रेशन, परिवार के साथ इन सब चीज़ों को मनाने से स्ट्रेंथन बॉन्ड्स, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेंथन मतलब क्या है, मजबूत, ठीक है, बॉन्ड्स मतलब रिश्ते या फिर संबंध, बिटवीन आवर रिलेटिव्स, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, एंड अस, और हमारे बीच में, इट मीन्स फैमिली सेलिब्रेशन से रिश्तेदारों के बीच में और हमारे बीच में जो संबंध हैं वो काफ़ी मजबूत बनते हैं। ओके, सो मैंने भी आपको बताया कि हम अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर से कब मिल सकते हैं, स्पेशल ओकेशंस पर। ओके, सो स्पेशल ओकेशंस पर जब हम उनसे मिलते हैं, हम उनसे उनका हालचाल पूछते हैं, उनके बारे में पूछते हैं, वे भी हमसे हमारी जानकारी लेते हैं, तो इससे फैमिली मेम्बर्स, जो भी रिलेटिव्स हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड है वो काफ़ी मजबूत बनता है। ओके, नाउ किड्स टेक अ बाइट, नाउ अ डेज, आजकल के दिनों में पपेट शो आर ऑल्सो यूज टू कन्वे इम्पोर्टेंट मैसेजेस लाइक द इम्पोर्टेंस ऑफ अ स्मॉल फैमिली, एजुकेशन और टू सेव गर्ल चाइल्ड एट्सेट्रा। ओके, सो नाउ अ डेज, आजकल के दिनों में पपेट शो आर ऑल्सो यूज टू कन्वे, पपेट शो का इस्तेमाल हम टू कन्वे मीन्स देना, इम्पोर्टेंट मैसेजेस, जो भी महत्वपूर्ण संदेश हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ अ स्मॉल फैमिली, जो छोटी फैमिली है, इट मीन्स जिसमें पेरेंट्स और उनके वन और टू चिल्ड्रन हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, उनका क्या महत्व है, एजुकेशन, शिक्षा का क्या महत्व है, टू सेव गर्ल चाइल्ड, हमें गर्ल्स को, जो गर्ल चाइल्ड है उन्हें सेव करना है। ठीक है, तो ये सारे इम्पोर्टेंट मैसेज भी पपेट शो से कन्वे किए जाते हैं, दिए जाते हैं। ओके, नाउ किड्स, देखो अभी यहाँ पर आपका वर्ड जोन दिया है, कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनका आपको मीनिंग पता होना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट है चीयरफुल, चीयरफुल मीन्स कॉसिंग हैप्पीनेस एंड प्लीजेंट। देखो कॉसिंग हैप्पीनेस मतलब कोई भी चीज़ जो आपकी खुशी का कारण है, या प्लीजेंट खुशी है, या हम कह सकते हैं हंसमुख, ठीक है, सो उसे हम क्या कहेंगे, चीयरफुल।
नेक्स्ट है रिजुवनेटेड। रिजुवनेटेड मीन्स मोर वाइटल, मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण या फिर कुछ नया करना। ओके, इनोवेटिव फीचरिंग न्यू मेथड और ओरिजिनल आइडियाज, जो भी नए तरीके हैं या जो भी ओरिजिनल आइडियाज हैं, जो आपके खुद के आइडियाज हैं, विचार हैं, उनकी विशेषताएं। इट मीन्स प्रगतिशील, ठीक है, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो अपने ओरिजिनल आइडियाज से, उसको हम इनोवेटिव कहेंगे। नेक्स्ट है वोकैबुलरी, लिस्ट ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। ठीक है, डिफ़िकल्ट वर्ड जो कठिन शब्द हैं उनकी एक लिस्ट, ठीक है, लिस्ट मतलब सूची, या हम कह सकते हैं शब्दकोश। वोकैबुलरी मतलब शब्दकोश, ठीक है, जिससे हम कठिन वर्ड्स को या डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हम ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है इंफोटेनमेंट, ब्रॉडकास्ट मटीरियल विच इज इंटेंटेड बोथ टू इंटरटेन एंड टू इन्फॉर्म। सो ब्रॉडकास्ट मटीरियल मीन्स प्रसारण का एक मटीरियल, ठीक है, विच इज इंटेंडेड, जिसे इंटेंडेड हम कह सकते हैं एक तरह से इरादा, ठीक है, इंटेंडेड मतलब इरादा, बोथ टू इंटरटेन, जिससे कि दोनों तरीके से हम इंटरटेन भी कर सकें एंड टू इन्फॉर्म और किसी को जानकारी भी दे सकें। ओके, सो एक तरीके से इंफोटेनमेंट मतलब क्या है, ज्ञान रंजन। इट मीन्स एक प्रसारण का एक ऐसा तरीका है जिससे हमें, जो हमें इंटरटेन भी कर रहा है, हमको रिक्रिएट मनोरंजन भी कर रहा है, साथ ही साथ जिससे हमें इंफॉर्मेशन या यूजफुल जानकारियाँ हमें मिल रही हैं। सो उसे हम क्या कहेंगे, इंफोटेनमेंट। ओके किड्स, सो किड्स ये आपका मैंने आज पूरा का पूरा चैप्टर आज आपका हो चुका है। अगर आपको इसमें लाइन टू लाइन कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप बार बार वीडियो देख सकते हो और ईजिली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, बट आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग आना ज़रूरी है। कोई भी वर्ड है आपका, आप चाहो तो डिक्शनरी से भी ढूंढ सकते हो, या अदरवाइज आपको मैंने वीडियो में भी हर एक वर्ड का मीनिंग बताया है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ओके किड्स, सो थैंक यू किड्स।